एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स या वेंडी ग्राफ जनरेटर के अंदर अगर हम वापस बुकलेट में चलें अपनी सीबीएसई वाली, तो उसके अंदर एक टॉपिक है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। तो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स के अंदर ये रहा एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, या दूसरा इसका टॉपिक का नाम क्या है, कोरोना डिस्चार्ज। ये वो कोरोना नहीं है डिस्चार्ज जो अपने को ये होके चुका है या लोगों को होके चुका है, ये कोरोना चार्ज रिलेटेड है। तो कोरोना डिस्चार्ज या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स क्या चीज है? एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स है, अगर आपके पास सपोज करो एक स्फेयर है, ये रहा एक शेल है, स्फेयर ले लो कुछ भी, एक और स्फेयर है, एक और कंडक्टिंग स्फेयर है, एक और है, एक और है, बहुत ही छोटा है, और आप मान लो क्यू चार्ज सबको देना चाहते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसोलेटेड स्फेयर की कैपेसिटी ज्यादा है, 4πε0r, r बड़ा है, c बड़ा है, कहता दे दो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको प्रॉब्लम है, वो कहता है यार देखो मेरे पास कैपेसिटी कम है, पर फिर भी चलो कैसे मैं एडजस्ट करूंगा, पर मेरी जो चार्ज की डेंसिटी है सिग्मा वो क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि क्यू तो सेम है, मेरा एरिया कम हो गया। ये कहते हैं ठीक है यार मैं भी कोशिश करता हूं, बहुत टाइट टाइट कंप्रेस करके एडजस्ट कर देता हूं, इसका भी सिग्मा बहुत ज्यादा हो गया। इस ये कहते हैं ठीक है यार मैं भी करने की कोशिश करता हूं, मेरी डेंसिटी बहुत बहुत इंक्रीज हो चुकी है, बस इससे ज्यादा अगर आपने मेरा साइज छोटा किया ना मैं लूंगा नहीं आपसे चार्ज, पर आप क्या कहते हो, मैं देके छोड़ूंगा चार्ज। तो वो कहता है ठीक है दे दो, अगर ये इतना छोटा स्फेयर है और आप बहुत चार्ज दे रहे हो तो चार्ज क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर कैपेसिटर का याद है, जगह है नहीं, जबरदस्ती चार्ज कंप्रेस करे जा रहे हो तो लीक होगा। लीक कैसे होता है, एयर का एटम पकड़ लेगा, एयर का एटम पकड़ के उसे क्या कर देगा, आयनाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और पॉजिटिव को भगा देगा। फिर आप और चार्ज दिए जा रहे हो उस छोटे से पॉइंट के ऊपर, छोटे स्फेयर के ऊपर, और चार्ज दिए जा रहे हो, तो दे दो मैं और एटम लूंगा एयर का, इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, भगा दूंगा उसे, हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी, विंड पॉजिटिव चार्जेस की, हवा में पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, चार्ज लीक हो गया। ठीक, और ये तब होता है जब बहुत छोटी जगह पे, बहुत छोटे स्फेयर पे आप बहुत बहुत सारा चार्ज को इकट्ठा कर देते हो, तो चार्ज हवा में आने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो इस केस में जैसे सपोज करो ये आपके पास कोई मेटल का बना हुआ कॉम्ब है, कनेक्शन एक बहुत हाई टेंशन बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जबरदस्त बैटरी है, ये इसके टिप्स बहुत छोटे, ये देखो ना पॉइंट्स हैं, पॉइंटेड है, तो ये चार्ज की डेंसिटी यहाँ बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगी टिप्स पे। तो जैसे ही आप और चार्ज दोगे ये चार्ज को लीक कर देंगे, एयर को आयनाइज करते रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज एयर का हवा में आपको ऐसा जाता हुआ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। एक्चुअल में ये टॉपिक आपके, ये तो टॉपिक चलो समझ में आ गया, एक टॉपिक है जिसको वेंडी ग्राफ जनरेटर बोलते हैं। वेंडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो बनाई गई एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स पे, जो क्या करती है, बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप कर सकती है इन ऑर्डर ऑफ मिलियन वोल्ट, 10^5, 10^6 वोल्ट तक कर देगी। नॉर्मल बैटरी 10 वोल्ट की होती है, डीसी बैटरी 10^5 1,00,000 वोल्ट कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ये इतना जनरेशन कर सकती है, तो जो नॉर्मल डिवाइसेस नहीं कर सकती। तो कैसे करती हैं? वेंडी ग्राफ जनरेटर आपके सीबीएसई के सिलेबस से हट गया, अब ये नहीं रहा, पहले ये होता था, अब ये नहीं आएगा, ये टिपिकल सीबीएसई का टॉपिक है, इसका कॉम्पिटिशन से लेना देना है नहीं। वैसे एक लाइन में समझा देता हूँ, वेंडी ग्राफ जनरेटर एक शेल है, शेल के अंदर एक पुली लगा के एक बेल्ट लगा रखी है डाइलेक्ट्रिक मटीरियल की, यहाँ पर तो एक्सट्रीमली हाई टेंशन बैटरी है, वो बैटरी के ये कॉम्स हैं, मेटल के कॉम्स हैं, यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई टेंशन बैटरी क्या करेगी, इसको पॉजिटिव चार्ज देगी, पॉजिटिव चार्ज से अंदर की गैस आयनाइज हो जाएगी, आयनाइज होकर पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा, हवा चल पड़ी, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, पॉजिटिव चार्ज जाएगा कहाँ, बेल्ट के ऊपर जाके बैठ जाएगा, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है, ऊपर बिठा लेगी, बेल्ट कहाँ जा रही है, ऊपर, जैसी ऊपर बेल्ट आएगी पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ रहा है, मेटल का बना हुआ इसमें कॉम्ब है,
तो बाय इंडक्शन इसके टिप्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये पीछे एक मेटल के शेल के साथ कनेक्टेड है, तो बाय इंडक्शन पीछे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज शार्प पॉइंट्स के ऊपर है, तो एयर को ये नेगेटिव आयनाइज कर देगी, वो नेगेटिव चार्ज जाते हुए पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता हुआ जाएगा, बेल्ट फिर खाली आ जाएगी, फिर यहाँ से पॉजिटिव उठाएगी, बाय इंडक्शन नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा, मोटर चलती रहेगी और पॉजिटिव चार्ज शेल के ऊपर इकट्ठा होगा। शेल का वी होता है 1/4πε0Q/R, तो शेल के अंदर वी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अंदर एक आयन रखा जाएगा, वो आयन के ऊपर हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जब, तो आयन एनर्जी लेगा क्यू इंटू वी, वो एनर्जी लेके सीधा टारगेट को जाके हिट करेगा। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक सुने होंगे, फास्ट मूविंग प्रोटोन आ रहा है वो हिट कर रहा है, फास्ट मूविंग कहाँ से आया, इसमें डालते हैं और अपने आप फास्ट हो जाएगा, उसको बहुत हाई एनर्जी मिलेगी, राइट, क्लियर है। पर ये टॉपिक करना नहीं है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, लिख लो इसके ऊपर प्लीज, सीबीएसई बुकलेट में नॉट फॉर एनसीईआरटी, ठीक है।